Today, we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3, Life Processes in Living Organisms, Part 2. हमने अब तक के वीडियोस में सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स का स्टडी किया। उसके साथ ही हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे कपल्स वेरियस रीजन की वजह से चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाते, तो वुमेन्स के केस में इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिकल्टीज इन ओकाइट प्रोडक्शन, ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस एंड ऐसे मेनी अदर रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही मेल्स के केस में एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, एनोमेलीज इन द स्पर्म, ऐसे कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब कुछ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोग्रेसी, स्पर्म बैंक की मदद से जो चाइल्डलेस कपल्स हैं वो चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इस टेक्निक में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है एंड एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तब वो एप्रोप्रिएट टाइम पे वुमेन की यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। IVF टेक्निक जो है वो चाइल्डलेस कपल्स जो प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पर्म काउंट या ओविडक्ट में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऐसे इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो कपल्स चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। सरोग्रेसी, कुछ वुमेन्स यूटेरस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं कर पाती, वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में, तो ऐसी वुमेन्स को मदद करने के लिए एक मॉडर्न रेमिडियल टेक्निक है जिसको कहते हैं सरोग्रेसी। इस टेक्निक में क्या होता है कि उस वुमेन की ओवरी से ओकाइट कलेक्ट किया जाता है। जो वुमेन यूटेरस में इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम फेस करती है उस वुमेन से, एंड बाद में ये ओकाइट उस वुमेन के हस्बैंड के स्पर्म की मदद से टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज होता है। बाद में जब फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो वो एम्ब्रियो दूसरे वुमेन के जिसका नॉर्मल यूटेरस है उस वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। तो जो ये वुमेन होती है जिसके यूटेरस में ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक, अब आजकल में बहुत सारे मेंस वेरियस प्रॉब्लम्स की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इस केस में जो कपल्स इन्वॉल्व होते हैं ऐसे उनके लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है स्पर्म बैंक। ये स्पर्म बैंक का जो कंसेप्ट है वो ब्लड बैंक से सिमिलर ही है। इसमें क्या होता है कि
जो डिजायर मेन है वो उनका फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप होने के बाद उनका जो सीमेन इजैकुलेट होता है वो स्पर्म बैंक में स्टोर किया जाता है। एंड जो नीडफुल कपल होते हैं उनके विश के अनुसार जो वुमेन वॉल कंसर्न होती है उसका ओकाइट एंड स्पर्म बैंक में जो सीमेन है उस वो फर्टिलाइज किया जाता है बाय IVF टेक्निक। एंड बाद में जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो उसी वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट होता है। अब जो सीमेन डोनर है उसका नेम बहुत सीक्रेट रखा जाता है ये लॉ के अनुसार। ट्विंस, टू एम्ब्रियोस डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस एंड दस टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली। सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज ट्विंस। मतलब क्या होता है कि कभी एक ही समय दो एम्ब्रियोस यूटेरस में इम्प्लांट हो जाते हैं एंड उससे दो ऑफस्प्रिंग्स डिलीवर होते हैं। ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को ट्विंस कहते हैं। बहुत सारे कपल्स को ट्विंस होते हैं। ट्विंस दो मेन टाइप्स के होते हैं, वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो सिंगल एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं। क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो अर्ली पीरियड होता है, मतलब कि जायगोट फॉर्मेशन के विद इन 8 डेज में जो एम्ब्रियो के सेल्स है वो डिवाइड होके दो ग्रुप्स बनते हैं। बाद में ये दो ग्रुप्स दो सेपरेट एम्ब्रियोस में डेवलप होते हैं एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म होते हैं। ऐसे जो ट्विंस होते हैं यानी जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो जेनेटिकली एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्विंस अपीयरेंस में एंड जेंडर में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। दैट इज एक तो दोनों बॉय होते हैं या एक तो दोनों गर्ल होते हैं। अब जो मोनोसाइगोटिक ट्विंस है उनमें जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो जायगोट फॉर्मेशन के विद इन 8 डेज में दो ग्रुप में डिवाइड होता है, तो इसलिए इनमें कॉन्जॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। मतलब क्या कि ये जो कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं इनका कोई बॉडी पार्ट एक दूसरे से जॉइंट होता है एंड ऐसे ट्विंस में कोई ऑर्गेन कॉमन होता है। अब जो ओकेजनली कभी कभार वुमेन की ओवरी से दो ओकाइट्स रिलीज होते हैं एंड ये दोनों ओकाइट्स दो सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं एंड दस दो जायगोट्स फॉर्म होते हैं। बाद में इन दोनों जायगोट्स से दो एम्ब्रियोस फॉर्म होते हैं एंड ये दोनों एम्ब्रियो उस वुमेन की यूटेरस में सेपरेटली इम्प्लांट होते हैं। दस डाइजाइगोटिक ट्विंस बाद में कम्प्लीटली डेवलप होके डिलीवर होते हैं। ऐसे जो ट्विंस होते हैं यानी जो दो डिफरेंट जायगोट से फॉर्म हुए हुए ट्विंस होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एंड उनका जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ पर्सन्स स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस
इज कॉल्ड एज हेल्थ। हमारे कंट्री में ड्यू टू सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, शाइनेस ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंस टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑकरेंस है वो उनके रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है। अभी वुमेन्स मेन के जितना काम करती है, जिसके वजह से उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग ऑकर होती है, जिसके वजह से प्राइवेट ऑर्गन्स दैट इज जेनिटल्स का टाइम टू टाइम क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंस में भी अराइज हो सकते हैं, इसलिए उनका भी जेनिटल्स का क्लीनलीनेस मेंटेन करना इसेंशियल है। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेस, सिफिलिस एंड गोनोरिया ये लार्ज स्केल पे ऑकर होते हैं। ये दोनों डिसीज बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। वेरियस बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग जेनिटल्स पे पैचेस का ऑकरेंस, रैश, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अलोपिकिया एटसेट्रा ये सिफिलिस के सिम्टम्स हैं। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ओजिंग ऑफ पुस थ्रू पेनिस एंड वजाइना, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आईज एटसेट्रा ये गोनोरिया के सिम्टम्स हैं। Now, this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.